दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच में होने वाले इस ओडीआई मैच के बारे में। ड्रीम इलेवन टीम प्रेडिक्शन, फैंटसी क्रिकेट टिप्स, प्लेइंग इलेवन की अपडेट, वेन्यू कंडीशन, उसी के साथ साथ आप लोगों को आज के मुताबिक ट्रम्प प्लेयर के बारे में जानकारी मिलेगी। कप्तान उप कप्तान का सिलेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी फुल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लास्ट एंड तक देखें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाली है वो काफी यूनिक होने वाली है। हमारे सामने हमारे फैंटसी क्रिकेट एक्सपर्ट अनवेश जी मौजूद हैं और यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे मिलके आप लोगों को दोस्तों वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के इस ओडीआई मैच में फुल एनालिसिस यहाँ पे लेके आए हैं, फुल रिसर्च लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आज आप विनिंग कर सकते हैं। तो अनवेश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप थोड़ा वेन्यू के बारे में बता दीजिए कि ये मैच कहाँ होने वाला है और इस वेन्यू की क्या कंडीशन। देखिए दोस्तों, ये जो मैच है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का ये ओडीआई मैच है और इस मैच की अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जाए नॉर्थ साउथ वेस्ट इंडीज के ग्राउंड पर दोस्तों ये मैच का कंडक्शन कराया गया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ का जो देखा जाए दोस्तों बैटिंग के लिए काफी मददगार है पिच, बट पेसर्स को यहाँ पर हेल्प मिलती है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज का जो पिच रिपोर्ट है अभी के टाइम पर वो वेदर कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा, क्योंकि वेदर जो है वो रेनी विकेट है। यानी दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से जो न्यूज निकल के आ रही है वो है कि यहाँ पर से बारिश की संभावना लग रही है ग्राउंड पर। तो शायद अगर ये चीज का देखने को मिलता है तो आपको फाइनल पिच रिपोर्ट पर बता दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। देखिए दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको जो फाइनल पिच रिपोर्ट मिलेगी उसी के आधारित पर आपको टीम्स वगैरह प्रोवाइड होगी। पिछले मुकाबले में हम लोग जो टीम प्रोवाइड किए थे प्रेम जी, काफी अच्छी और यूनिक टीम हमारी लोग ने थी। आप लोगों ने लाइव सेशन पर आकर के बोला था क्लियरली कि राधा यादव परफॉर्मेंस शायद आज के मुकाबले पर ना करेंगी और राधा यादव ने एक भी विकेट नहीं लिया था, और हम लोगों ने क्लियरली बोला था कि स्मृति मानधाना आज के मैच पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। जो भी बंदा लाइव सेशन को ज्वाइन किया था उनको क्लियरली बोला गया था कि स्मृति मानधाना, शेफाली वर्मा से में कोई एक आज के मुकाबले पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस करेगा, और स्मृति मानधाना ने 100+ का स्कोर किया था। तो इसीलिए कहते हैं भाइयों कि आपको जो यूनिक जानकारी मिला करती है वो लोग हम लोग के द्वारा ही मिलती है, तो टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है आप सभी लोग लिए। अभी तक ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 5 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से विकेट मिले हैं दोस्तों 77, जिसमें 30 विकेट मिले हैं पेसर्स को और 47 विकेट मिले हैं स्पिनर को। अब आप लोग अंदाजे ये लगा सकते हैं कि स्पिनर वेस्ट इंडीज के ग्राउंड पर कारगर साबित हो सकते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की जो स्पिनर की क्वांटिटी है उससे कहीं अच्छी यहां पर से इंग्लैंड वालों की है। तो इंग्लैंड की तरफ से अगर आदिल रशीद होते हैं, मोइन अली है, ऐसे प्लेयर्स को आपको पिक करके चलना है, स्पिनर रोल अदा हो सकती है सेकंड इनिंग पर, खास करके ये चीज देखने को मिल सकता है। और यहाँ का जो एवरेज है 261 रन का है, तो रन भी बनते हुए नजर आएंगे बट विकेट भी गिरेंगे, तो बैलेंस विकेट के हिसाब से आपको टीम बनानी पड़ेगी आज के मुकाबले में प्रियम जी। जी, तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी है भाई वेन्यू स्टैट्स के बारे में, क्योंकि देखिए बैटिंग पिच होने के साथ साथ पेसर बॉलर को मदद मिल रही है, तो ये काफी एडवांटेज हो सकता है बॉलिंग फेवर वालों के लिए। तो इस चीज को बारे में आप लोग यहाँ पे आपको आई होप ऑलरेडी जानकारी होगी। अगर मैं यहाँ पे हेड टू हेड के बारे में जानकारी दूं अनवेश जी, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में टोटल 9 मैचेस खेले गए हैं, जहाँ पे 4 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं, 4 मैचेस वेस्ट इंडीज ने जीते हैं और एक मैच नहीं आया है। तो यानी कि दोनों ही टीम अपने दमखम से यहाँ पे लग रही है और दोनों ही मजबूत टीमें सामने निकल के आ रही है। और मैं चाहता हूँ कि आज के मैच में कौन कौन से प्लेयर टॉप पिक्स हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी दे दीजिए और दोनों टीमों में परफॉर्मेंस क्या होगी। जी अनवेश, मैं देखो अगर टॉप पिक्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो देखिए मोंटी की बात कर लेते हैं तो इन्होंने ओवरऑल अभी तक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है प्रियम जी। देखा गया अभी जितने मैचेस इनके अगेंस्ट हुए हैं, मोंटी का परफॉर्मेंस सबसे नेक्स्ट लेवल का था वेस्ट इंडीज की टीम के लिए, तो इनको आप लोग मोस्ट पिक की टीम पर अपना रख सकते हो, चाहे तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा बट अपनी स्मॉल लीग हेड टू हेड पर आपको लेकर के चलना है। शेफर्ड की बात कर लेते हैं तो 295 पॉइंट इन्होंने भी अपनी टीम के लिए दिए हैं, टॉप पिक्स में इनका भी नाम आता है वेस्ट इंडीज की तरफ से। अल्जारी जोसेफ आते हैं 30वें नंबर पर, फास्ट बॉलर है, ओपन बॉलर करते हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, तो अल्जारी जोसेफ को आप लोग अपनी टीम पर पिक करके चल सकते हो। अगर बात इंग्लैंड की तरफ से तो टॉपली को दोस्तों आप लोग अपनी टीम पर पिक कर सकते हो, पेस बॉलर है और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि फास्टर को शुरुआती ओवर में मदद मिलती है, तो ओवरऑल देखा जाए तो विकेट निकाल सकते हैं अपनी टीम के लिए, तो इसलिए टॉपली को आप लोग अपनी टीम पर लेकर चलिएगा। जोफ्रा आर्चर हो गए और यहाँ से बिल जैक्स हो गए। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल जैक्स ऑलराउंडर पोजीशन पर आते हैं, स्पिन भी कर लेते हैं, अगर स्पिनर्स को मदद मिलेगी तो बिल जैक्स आपको बॉलिंग करते हुए भी नजर आएंगे। बैटिंग से तो आप लोगों को पता ही है कि ओवरऑल काफी अच्छे तेज तरह बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो बिल जैक्स तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। बिल्कुल, इसी के साथ साथ यहाँ पे
जोफ्रा आर्चर की बात कर ले तो भाई जोफ्रा आर्चर भी काफी बेहतरीन परफॉर्मर है इंग्लैंड की तरफ से, उनको भी मिस जी नहीं किया जा सकता है। और जैसे कि विलियम जैक्स और यहाँ पे ट्रॉफी के बारे में यहाँ पे जी ने बताया दिया है कि भाई परफॉर्मेंस इनकी काफी बेस्ट लेवल की हो सकती है। तो आज जी के मैच का क्या ओवरऑल सीन हो सकता है निवेश जी, कौन कौन से प्लेयर को यहाँ पे पिक करना काफी बेहतरीन होगा? मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे लाइव टीम के माध्यम से जानकारी व्यूअर्स को दे दी जाए। उससे पहले प्रियम जी मैं चाहूंगा कि प्लेइंग 11 के बारे में लोगों को पता चल पाए, और एक बात यह भी है कि ट्रम्प प्लेयर के भी बारे में बताऊंगा, ठीक है? उससे पहले प्लेइंग 11 के बारे में पता चले कि लोगों को प्लेइंग 11 के बारे में पता रहे कि आज के मुकाबले पर कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पर से बैटिंग में आने वाले हैं, यानी कि कंप्लीटली प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। जी तो प्रियम जी प्लीज प्लेइंग 11 के बारे में लोगों को बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमको दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं जी मोटी, उसके साथ साथ जी यहाँ पे एस रदरफोर्ड है, अल्जारी जोसेफ है, साई होप है, रजन चेज है, रोमारियो सेफर्ड है, उसी के साथ साथ के कार्टी, लेवाइस, बी किंग, जे एंड्रयू, एच वॉस, सिमरन हिटमायर, जे सेल्स, एम फोर्डे और एस जोसेफ देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे हमको वेस्ट इंडीज की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से जी बात करें तो यहाँ पे आर टोपले एज अ बॉलर देखने को मिलने वाले हैं, जोफ्रा आर्चर है, विलियम जैक्स है, जे बैथल है, लिविन लिंगस्टन है, सैम करन देखने को मिलने वाले हैं, आदिल राशिद हैं, फिलिप साल्ट हैं, एस महमूद, डी मुसले, एम पेपर, ओवरटन, जे चौवन और जे टर्नर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कुछ प्लेइंग 11 हमारे सामने देखने को मिल सकती है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में होने वाले इस ओडीआई मैच के बारे में। जी फाइनल प्लेइंग 11 आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं आज के मुकाबले का ट्रम्प प्लेयर। जी तो ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से लिया है लिविंगस्टन का। लिविंगस्टन को आप लोग एज ए ट्रम्प प्लेयर के तौर पर अपने टीम पर पिक करके चल सकते हो। ओवरऑल देखा जाए बैटिंग प्लस स्पिन दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं आज के मुकाबले पर, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर में तो उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर से रोस्टन चेस। रोस्टन चेस को भी आप लोग अपने टीम पर एज ए ट्रम्प प्लेयर के तौर पर पिक कर सकते हैं। बाकी पूरे ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा बिना कोई दिक्कत के। अब प्रियम जी सबसे खास बात है कि लोगों को यहाँ पर से टीम बना करके देने वाला हूँ कि टीम कैसे यहाँ पर से अपने अपने प्लेयर्स को कैसे आप लोग अपने टीम पर पिक कर सकते हो, तो वो लाइव टीम यहाँ पर से आपको क्रिएट करके देने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए यहाँ पर से जितने भी लोग हो। तो प्रियम जी यहाँ पर बगल में चाहता हूँ कि रिटर से कहकर आप बगल में स्क्रीन लगवा दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं तो सबसे पहले विकेट कीपरिंग ऑप्शन में साई होप मिल जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर से फिलिप साल्ट मिल जाएंगे। तो अभी के टाइम दोस्तों हम अपने टीम पर दोस्तों फिलिप साल्ट को अपने टीम पर स्मॉल लीग पर लेकर के चलेंगे, ग्रैंड लीग पर हम साई होप के साथ जाएंगे। बाकी अभी के टाइम दोस्तों स्मॉल लीग पर मैं अपने टीम पर दोस्तों फिलिप साल्ट को अपने टीम पर पिक करने वाला हूँ, ठीक है ना। साई होप भी बहुत अच्छा प्लेयर, दोनों के साथ भी आप लोग जा सकते हो बिना कोई दिक्कत के। अब नंबर एक पर आते हैं लियाम लिविंगस्टन। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया लियाम लिविंगस्टन को मैं पिक कर रहा हूं अपने टीम पर दोस्तों, क्योंकि आज के मुकाबले पर ट्रंप पिक भी साबित हो सकते हैं, तो लियाम लिविंगस्टन भी हमारी टीम पर होंगे। रोमारियो सेफर्ड यहां पर से होंगे, उससे पहले यहां पर से मैं लेविस को अपने टीम पर पिक करूंगा। लेविस का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अभी इंग्लैंड के विरुद्ध इनका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का था, फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है ओवरऑल देखा जाए अभी का टाइम, तो इसलिए लेविस के साथ मैं यहाँ पर जाऊंगा, क्योंकि इवन लेविस आप सभी को पता है तेज तरह बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो इनको मैं अपनी टीम पर पिक करके चलूंगा। ब्रेंडन किंग को आप लोग अपने ग्रैंड लीग के एक का टीम पर पिक करके चलना आज के मुकाबले पर, क्योंकि ओडीआई पर ब्रेंडन किंग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर कर सकते हो। बाकी अगर देखा जाए तो मैं इंग्लैंड की तरफ से बेथम के साथ यहाँ पर से जाने वाला हूँ। ओवरऑल देखा जाए प्रियम जी सिलेक्शन परसेंटेज काफी ज्यादा कम है, लोग इनको बहुत से ड्रॉप करके जाएंगे, तो बेथम के साथ मैं यहाँ पर जाऊंगा। वेस्ट इंडीज की तरफ से कार्टी की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत डाउन है, तो ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए मोस्ट पिक हो जाते हैं। ग्रैंड लीग की टीम पर आप लोग अपनी एक कार्ड टीम पर लेकर के चलिएगा, ठीक है ना। बाकी ओवरटन अगर खेलते हैं तो उनके पिक किया जा सकता है, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और हेटमायर और रदरफोर्ड में से अगर मैं बेस्ट ऑप्शन बताऊं तो रदरफोर्ड के साथ आप लोग जा सकते हो कंपेयर टू हेटमायर, ये चीजें आप लोग कर सकते हो। बाकी दोस्तों ऑलराउंडर डिपार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराउंडर पर सबसे पहले सैम करन, पेस बॉलर्स को हेल्प मिलती है प्लस बैट्समैन भी अच्छे खासे, तो सैम करन को पिक कर लेना। रोस्टन चेस जैसा कि मैंने बताया ट्रंप पिक साबित हो सकते हैं, तो रोस्टन चेस दोस्तों यहां से और सैम करन दोनों को पिक करके चल रहा हूं। बिल जैक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए बिल जैक्स का फॉर्म बहुत अच्छा है आप सभी को पता है, ओवरऑल देखा जाए इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो 90% है। तो अगर आप लोग चाहो तो अपनी ग्रैंड लीग की एक कार्ड टीम से ड्रॉप कर सकते हो, बट स्मॉल लीग हेड टू हेड पर लेकर के चलना है बिल जैक्स को, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस देखा जाए काफी मजबूत है। तो अभी का टाइम दोस्तों मैं बिल जैक्स के साथ जा रहा हूँ, अगर चेंजेस करना होगा पिच के अकॉर्डिंग पिच रिपोर्ट जो आएगी तो वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहां से मैं अभी का टाइम रोमारियो सेफर्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ,
बाकी अपनी एक का टीम पर मैं ले करके चलूंगा, ये आपको अभी से मैं बता रहा हूँ। ठीक, हमारा पूरा मोटिव रहेगा बॉलिंग डिपार्ट पर, क्योंकि आज के मुकाबले पर दोस्तों रेनी विकेट है, बॉलर्स को हेल्प मिल सकती है, ठीक है ना। तो आदिल रशीद को भी रखूंगा अपने टीम पर, अलजारी जोसेफ को भी रखूंगा, मोटी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट लेवल का चल रहा है, तो मोटी के साथ भी जाऊंगा। और यहां से दोस्तों टॉल्पी के साथ जाऊंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इनका भी नेक्स्ट लेवल का है। आपके पास दो ऑप्शन और बचते हैं, अलजारी जोसेफ इस मोहम्मद इंग्लैंड की तरफ से, और अगर हेडन वाल्स खेलते हैं दोस्तों तो आप लोग इनको अपनी ग्रैंड लीग के टीम पर पिक करके चलना। हेडन वाल्स को, स्पिनर बहुत अच्छा है, बहुत नेक्स्ट लेवल का स्पिनर है हेडन वाल्स, तो आप लोग को हेडन वाल्स को अपनी ग्रैंड लीग की टीम पर पिक करके चलना है। जितने भी लोग प्लीज ये बात को समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पर रोमारियो जोसेफ खेलते हैं तो रोमारियो जोसेफ को भी आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की एक कार्ड टीम पर लेकर के चलना, और अगर ये खेलते हैं दोस्तों तो अपने टीम एक कार्ड ग्रैंड लीग की टीम पर कैप्टन बीसी भी ट्राई कर सकते हो आज के मुकाबले पर, ठीक है ना, क्योंकि जोसेफ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, तो जोसेफ को आप लोग रख सकते हो। अगर इस मोहम्मद खेलते हैं दोस्तों तो अपने इनको भी आप लोग, ये ग्रैंड लीग के पिक है, स्मॉल लीग पर इनको भी कोई ज्यादा रन लेकर के नहीं आएगा, तो इनको भी आप लोग अपनी स्मॉल लीग की टीम पर पिक करके चल सकते हो, ठीक है ना। चीजें यहाँ पर कर सकते हो, देख सकते हो ये टीम है, बाकी फाइनल टीम नहीं कह सकते हो, फाइनल टीम टॉस के बाद सीधा टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। अब चेंजेस क्या कर सकते हो वो चीज के बारे में बता देता हूँ। देखिए चेंजेस में नंबर एक, आप लोग चाहो तो बिल जैक्स को हटा करके यहाँ पर से साई होप को विकेट कीपर में ट्राई कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो वेस्ट इंडीज के, या चाहो तो बेथम को हटा करके आप लोग ब्रेंडन किंग को ट्राई कर सकते हो वेस्ट इंडीज की तरफ से, ये चेंजेस कर सकते हो। एक चेंजेस और कर सकते हो आपके हिसाब से, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर सैम करन को हटा करके, या सैम करन को हटाएगा, सैम करन को हटा करके वेस्ट इंडीज के अलजारी जोसेफ को आप लोग अपने टीम पर पिक कर सकते हो, तो ये चेंजेस आप लोग कर सकते हो, ये चेंजेस आराम से आप लोग रोटेशन कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन दोस्तों हम अपने टीम पर आज के मुकाबले पर बिल जैक्स को करेंगे, और वाइस कैप्टन का पद दोस्तों यहाँ पर से फिलिप साल्ट या दोस्तों यहाँ पर से एम एल लेविस, दो में से किसी एक को देने वाले हैं। तो ये दोस्तों टीम है, फाइनल टीम फिर से कह रहा हूँ नहीं है, फाइनल टीम टॉस के बाद सीधा टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो प्लीज जितने भी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर आज के मुकाबले पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो। जी बिल्कुल, क्योंकि भाई टेलीग्राम ग्रुप पे ही हम लोग यहाँ पे अपनी फाइनल टीम देते हैं, अपनी जीए टीम प्रोवाइड करते हैं, लास्ट में मैच में कुछ लास्ट मोमेंट में कुछ अपडेट होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको अपडेट दे देते हैं, और कोई भी प्रकार की यहाँ पे चेंजेस अगर ऑन द स्पॉट की जाती है तो उसके बारे में भी लाइव अपडेट यहाँ पे आपको दे दी जाती है। तो ये जानकारी आपके लिए भाई आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के मैच के टॉपिक्स क्या है, आज के मैच की प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर को ड्रॉप आउट कर दिया गया है, और आज की जीए टीम में कौन कौन से प्लेयर होने वाले हैं। तो जिस बंदे ने ये सब चीजें समझ ली जान ली वो विनिंग कर जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे कि हमने बता दिया है टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर लें, टीम वहां पे दे दी जाएगी, फाइनल अपडेट वहां पे दे दिया जाएगा, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और अगला जो यहां पे नेक्स्ट मैच जो आने वाले हैं, जो सीरीज आने वाली है, उनके मैच में भी हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन की वीडियो भी आएगी, लाइव भी रहेंगे, पूरी पूरी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि अब विनिंग करने का सीजन आ गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, और कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।